सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। जिन लोगों ने मुझे अगवा किया वो नकाबपोश थे और वो मुझे मारना चाहते थे। बंदूक में कोई गोली नहीं थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मर जाए, मुझे बस ये जानना था कि तुम किसकी तरफ हो। अब असल दुश्मन को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है पाशा, और इसलिए ये खेल जारी रहेगा। चल जमीला सुल्तान हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगी। फिर जल्द ही चंबर लेताश की हवेली तुम्हारी यानी हमारी। उम्बर, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैंने सैर के दौरान चंबर लेताश के कमरे भी देखे। हाय मेहमत, वो बहुत खूबसूरत है। क्या हम शादी के बाद वहाँ रह सकते हैं? हमारा पहला मकसद छोटा मगर बाकायदा हमला करना है, यानी फौजियों, सिपाहियों और देहातियों पर हम उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ये अमवात नहीं कत्ल है। हमारे मुखालिफ ने कत्ल करके इल्जाम हम पर और हमारी रियासत पर डाल दिया है। एक टेलीग्राम आया है, पढ़िए। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर इन गैर मुस्लिमों को रियासत की मुलाजमतों से ना निकाला गया तो फिर हम इन सबको एक एक करके मार डालेंगे। असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन अगर असलहे की खरीदो फरोख्त पर से पाबंदी हट जाए, अगर ऐसा हो जाता है तो अब्दुल हमीद आपको माफ कर देगा। वो करेगा। गुल जमाल से जल्द अज जल्द शादी करेंगे। हमारी मर्जी के खिलाफ। हम चाहते तो नहीं थे, लेकिन अब ऐसा ही होगा, आपकी मर्जी के खिलाफ। उस घर में ईसाइयों को मारने की धमकी देने वाले ग्रोह के आदमी भी हो सकते हैं। सुल्तान मौसम, आपका क्या हुक्म है? छापा मारें पाशा। सुल्तान मौसम, मैंने हुंबर से बात की है, हमारा मंसूबा काम कर गया, वो हमें असलहा फरोख्त करने के लिए राजी हो गया है। मैंने उससे कहा कि ये खेल में वापस जाने के लिए बहुत जरूरी है। सुल्तान मौजम, अब आपके पास मुझे माफ करने के लिए एक अहम वजह है, और वो ये कि मैं सल्तनत उस्मानिया पर लगी असलहे की पाबंदी को खत्म करने में मददगार साबित हुआ हूँ। काबिल कदर भाई, हमने एक मंसूबा तरतीब दिया था, शुक्र है हमें पशमान नहीं होना पड़ा। हमारा मंसूबा अब भी जारी है। मैंने हुंबर पर काफी दबाव डाला, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि उसका सरपरस्त कौन है। तो वो आप पर मुकम्मल इत्माद नहीं करता? मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन वो करेगा, वो आपसे राब्ता करना चाहेंगे मुहाफिजों के बगैर रहें, ताकि वो आपके पास बगैर किसी रुकावट के आ सकें। जो हुक्म सुल्तान मौजम। काबिल कदर भाई जुल्फुल इस्माइल पाशा, ये काम मुश्किल है, आप अपना जमीर खो सकते हैं। दुश्मन बहुत से खेल और तजावीज के जरिए आपको उलझा सकते हैं।
और वो ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। इस्माइल हक्की साहब से बात करें, अपने मसाइल उन्हें बताइए, रूहानी तौर पर खुद को मजबूत रखिए, अच्छी तरह याद रखिए, इस राह पर हर कदम आप वफादारी के पाबंद हैं। आप फिक्र मत करें सुल्तान मौसम, क्योंकि मुझे किसी भी सल्तनत की ख्वाहिश नहीं थी, मुझे आपके इंसाफ पर यकीन है और मैं आप ही के साथ वफादार हूं। आप सबको बता सकते हैं कि लाए गए हथियारों की वजह से आपको हमने माफ कर दिया है। इस्माइल पाशा, पाशा, सुल्तान मौजम ने मुझे माफ कर दिया है। वो अब जान गए हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं और इसीलिए उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। ये अच्छी खबर है, लेकिन महज वो सिर्फ इस वजह से माफ नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी ये अच्छी खबर है। आइए। आपने मुझे बुलाया सुल्ताना? गुल जमाल, आपको क्या हुआ है बेटी? क्या किसी ने आपको परेशान किया है? आपकी आंखें तो सुर्ख हो रही हैं। आइए बैठ जाए। हमें नहीं बताएंगी कि आपको क्या हुआ है? सुल्ताना, अगर आप इजाजत दें तो मैं महल बल्कि पाया तख्त ही छोड़ना चाहती हूँ। गुल जमाल, आपको ये ख्याल कहाँ से आ गया जबकि सब आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं? मेरे ख्याल में ये सबके लिए ही अच्छा होगा सुल्ताना। पुप्पी जान की वजह से? क्या उन्होंने जाने को कहा? ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपने बेटे से शादी की इजाजत कभी नहीं देंगी। मैं उन दोनों के दरमियान मुश्किलात पैदा करने के बजाय दूर जाने को तरजीह दूंगी। गुल जमाल, क्या आपको ये जेब देता है? अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो रही हैं। क्या आपको मेहमत का ख्याल नहीं आया? मैं और कर भी क्या सकती हूँ सुल्ताना। आप सबर कर सकती हैं। जी, हम जमीला सुल्तान को अच्छी तरह जानते हैं। वो जो फैसला कर ले उसे तब्दील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम अपनी प्यारी बेटी के लिए जो हो सका करेंगे, जिसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। गुल जमाल, ये आपके लिए। आह सुल्ताना। ये बहुत खूबसूरत है। आप भी बहुत खूबसूरत हैं बेटी। आपका दिल आपकी सूरत से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जाओ जल्दी, सब अपने घरों में जाएं। जाइए। वो आ गए हैं। सब अंदर चले जाएं। तुम्हें घेर लिया गया है। हथियार डाल दो। हम हथियार नहीं डालेंगे। दिफा करो। पाशा, आपका क्या हुक्म है? हम भी चलाएं गोली। अगर वो हथियार उठाते हैं तो क्या हमें हथियार के साथ जवाबी कार्रवाई की इजाजत है? इजाजत है। गोली चलाओ। हम घर के अंदर जाएंगे। मोहतात रहो। जल्दी चलो।
इनकी तलाशी लें। जनाब, लगता है कि अब हमें इन पहाड़ों पर ही रहना होगा। हमें खेमा लगा लेना चाहिए। हम लगाएंगे उस्मान, जल्दी उस्मान गाजी की तरह हम भी एक ही खेमे से तमाम रुमेली पर राज करेंगे। लगता है कि यहाँ और भी लोग हैं। देखो, उन्होंने इनका शिकार किया है। मोहतात रहो। इनके पास हथियार नहीं है। लगता है लूटकर मार दिया गया है इन्हें। अगर तुर्क फौजियों ने इन्हें मारा होता तो वो यहां इन्हें ना छोड़ते। तो इन्हें और कौन मार सकता है तातार साहब? शायद तुर्क देहातियों ने मारा हो। मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। जनाब, ये क्या है? तावीज है आसिफ। ये तुर्क फौजी हैं जिन्हें डाकुओं का लिबास पहना दिया गया है। सुल्ताने मौसम, ताजिरों ने मिलने वाले हुक्म की वजह से असलाह फरोख करने से इंकार कर दिया है। ये उस्मानियों के खिलाफ बनाया गया एक मंसूबा है। हम यही समझते हैं गुस्ताफ साहब, यही वजह है कि हमने आपको बुलाया। हुकूमत जंग की तैयारी कर रही है, सबसे बड़ा हदफ उस्मानी है। वो हमारे हाथ बांधकर हमें बेबस करना चाहते हैं। बैनुल अक्वामी सियासत में यह सब तो होता है, लेकिन वे गैर अखलाकी सरगर्मी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें अपने हथियार तैयार करने की जरूरत है। असलहा तैयार करने की दो फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं। आप दोस्त के बारे में भी आप सब जानते हैं। हमें यह पूछना है कि क्या इस वक्त हम असलहा तैयार करने की सलाहियत रखते हैं? सुल्तानी मुअज्जम, आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके माहिरीन इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप अपने हथियार तैयार कर सकते हैं सुल्तानी मौसम, आपके पास माहिरीन मौजूद हैं, लेकिन हथियार तैयार करने से ज्यादा दूसरे ममालिक को बेचना जरूरी है। इसके अलावा कारखाना लगाना भी जरूरी नहीं, क्योंकि इसका खर्च असलहे की दरामद पे आने वाले खर्च से ज्यादा होगा। अगर हम इसे फरोख्त ना कर सके तो हमारी मईशत खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आप जानते हैं कि वो हमें हथियार नहीं बेच रहे। हम चाहते हैं कि आप तोपों और बंदूकों के लिए काम करें। हम आपके साथ मजीद काबिल माहिरीन को भी शामिल करेंगे। मैं करूंगा सुल्तानी मौसम, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जानिब से बेहतर काम कर सकूं। ताहम आपको पाबंदियां फौरी खत्म करवाना होंगी। एक और अहम बात, तोपे और बंदूकें बनाने में बरसों लग सकते हैं सुल्तानी मौसम, और अगर कोई ताजिर पाबंदियों को तोड़कर उस्मानियों को असलाह फरोख कर देता है तो यह बेहतर होगा। इस मामले को हम संभाल लेंगे। जुल्फुल इस्माइल पाशा हमारे पास अपनी माफी के लिए पेशकश लाए हैं। हम हुम्बर से असलहा खरीदेंगे, लेकिन साथ ही हम अपने हथियारों को बनाने के लिए काम करते रहेंगे। पाशा, यहां क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं पाशा? सिपाहियों की तरफ से जरूरी वजाहत कर दी जाएगी। ये लोग आखिर कौन है पाशा? ये बातें की जा रही हैं कि ये दोनों मिलकर पाए तख्त में ईसाइयों को मारते थे। जरूरी वजाहत कर दी जाएगी, लेकिन ये जान ले के जब हम यहां पर आए तो हमने उन्हें हथियार फेंकने का कहा, लेकिन उन्होंने गोली चला दी, जिसके बाद हमने जवाबी कार्रवाई की। जनाब, जनाब, जनाब। मेरे शौहर, तुम लोगों ने मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। सिपाही, इस खातून को अंदर ले जाओ और इनका ख्याल रखो। जो हुक्म पाशा। तुम सब के सब कातिल हो, कातिल। जनाब, मुझे समझ नहीं आ रहा।
कि उन्होंने आखिर अपने कपड़े क्यों बदले? मुझे नहीं मालूम आसिफ। हो सकता है कि यहाँ खलील खालिद के लोग मौजूद हों। ये किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो तुम? तौबा तौबा। आप गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्या हुआ नादिर साहब? छुप जाओ फौरन, हमें घेरा जा चुका है। नादिर साहब यहाँ नहीं है। आप कहाँ हैं नादिर साहब? नादिर साहब, शुक्र है। अब्दुल हमीद सिपाहियों के साथ नहीं आएगा, क्या आपको इस बात का यकीन है? इस पर जो लिखा है, इस वजह से मैं तुम्हें सुल्तान के हवाले नहीं करूंगा। यानी आपको हम पे यकीन है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारे बारे में क्यों नहीं बताया उन्हें? अभी तो नहीं बताया, तुम्हें वक्त देना चाहता हूं। इसमें जो लिखा है अगर आप साबित कर दें तो आप लोग यहां से सही सलामत जा सकते हैं, लेकिन अगर ये सब आपका बनाया हुआ है तो आपको मुश्किल का सामना करना होगा, वरना सुल्तान की सजा से आपको कोई नहीं बचा सकता। इसमें लिखा हर लफ्ज दुरुस्त है। इस्माइल पाशा, अच्छी तरह जान लीजिए, हम इतने भी बेवकूफ नहीं कि बगैर किसी सबूत के आपके पास चले आए। वो देख लेंगे। याद रखें, अगर आप इसे साबित ना कर सके तो आप यहां सड़ जाएंगे। इससे आपको कुछ याद आएगा। सुल्ताने मौसम, हम उस घर पर गए और हमने उन्हें घेरे में ले लिया। हमने हथियार डालने का कहा, लेकिन उन्होंने गोलियां चला दी। आपके हुक्म के मुताबिक हमने भी जवाब में गोलियां चलाई और दो अफराद को हलाक कर दिया। मालूम हुआ कि वो कौन थे? सुल्ताने मौसम, मैंने उनकी शनाख्त के बारे में तफसीलात तलब कर ली हैं, लेकिन जब हम उनकी लाशें बाहर ला रहे थे तो उनकी अजवाज आ गई। तो वो घरबार वाले थे? जी सुल्ताने मौसम, उनके अल्फाज जो मैं सुन सका उनके मुताबिक उनके बच्चे भी हैं, लेकिन अगर वो कसूरवार ना होते तो गोलियां ना चलाते। बिल्कुल, लेकिन हमें अफसोस हुआ पाशा। सुल्ताने मौसम, अहमद पाशा ने जिनके बारे में पूछा था उनकी शनाख्त हो गई है। वो दोनों लोग जो मारे गए वो फौजी थे। क्या हमारे फौजी थे? जी हाँ सुल्ताने मौसम, उनके कमांडर ने बताया है कि वो बहुत अच्छे सिपाही थे, लेकिन वो भी ये समझने से कासिर हैं कि उन्होंने मज़ाहमत क्यों की। उन्हें कुछ नहीं मालूम सुल्ताने मौसम।
सुल्तान मौसम, मैं जाती तौर पर इस बारे में तहकीक करूंगा। मैं देखूंगा कि क्या रियासत में सजा देने वाला कोई गुरु मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो हम उसकी रोकथाम नहीं कर सकेंगे। हम इसको इम्कान के तौर पर भी नहीं सोचना चाहते। आपके शौहर मरे नहीं है, वो जिंदा है जमीला सुल्तान। महमूद जलालुद्दीन पाशा जिंदा है। दिलरुबा, हमारी बग्घी तैयार करवाइए, हम दौरे पे रवाना होंगे। जो हुक्म सुल्ताना। सुल्ताना, जमीला सुल्तान तशरीफ रखिए। अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें बिल्कुल अंदाजा है बिदार खातून, ये गुल जमाल के बारे में है ना? जी। तो बराए मेहरबानी बिल्कुल भी जहमत ना करें। हमने उन्हें बता दिया है कि हमारी तरफ से अभी भी इनकार है, लेकिन लगता है वो समझी नहीं, इसीलिए उन्होंने आपको भेजा है। देखिए, वो पाया तख्त छोड़ने की इजाजत चाहती थी। ये बिल्कुल सही फैसला किया है, उनका रास्ता आसान हो और वो हमसे दूर रहे। लेकिन हमने उन्हें इजाजत नहीं दी। जमीला सुल्तान, गुल जमाल एक अच्छी लड़की है, यकीन कीजिए। वो ताजीम, मोहब्बत और शफकत से भरी हुई है। क्या आपने नहीं देखा, उस नाटक के दौरान भी हमें बचाने के लिए उन्होंने खुद को आगे कर दिया। बराए करम बिदार सुल्तान, वो सिर्फ एक दिखावा था। अगर वो हकीकत में होता तो वो छुपने के लिए जगह ढूंढती। नहीं, वो ऐसी हरगिज नहीं है। अगर आप उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, उनके साथ सफर करें, तो आपका नजरिया शायद बदल जाएगा। और हमारे ख्याल में महमद भी इससे बहुत खुश होंगे। महमद के बारे में कोई भी हमसे ज्यादा नहीं सोच सकता, आप उनकी फिक्र ना करें। बहुत बेहतर। बल्कि अगर आप अब्दुल कादिर और नाइमे की शादी के मुतालिक गलत बयानी ना करती तो वो दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते। अब्दुल हमीद ने जुल्फुल इस्माइल पाशा को माफ करके आजाद कर दिया। माफ करने की वजह? हुम्बर पर एतमाद किया है उसने। उन दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि हुम्बर उस्मानियों को हथियार फरोख करेगा जुल्फुल की मदद से। यूं इस मंसूबे की वजह से उस्मानियों पर से हथियारों की पाबंदी खत्म हो जाएगी। बदले में अब्दुल हमीद ने जुल्फुलू इस्माइल पाशा को माफ कर दिया। ऐसा होने से हमारी कोशिशें जाया हो जाएंगी। हमें पाबंदी बरकरार रखना होगी। हुम्बर असलहा किस तरह लाएगा? उसके पास खुले समंदर में जहाज है। वो किसी को हुक्म देगा और वो पाए तख्त आ जाएंगे। देखो जरा, हमारा अपना ही खास आदमी हमारे खेल को खराब कर रहा है। वो कर क्या सकता था? जुल्फुलू हमें नहीं जानता, जिसे वो जानता है वो जिंदान में है। मेरे ख्याल से यही सही वक्त है खुद को जुल्फुलू इस्माइल पाशा से मुतारिफ करवाने का। मेरे लिए ऐसा मत सोचना बेटा। अब फौरन जाओ और जाकर कुछ तस्वीर लो। मैक्टल, मैक्टल, वक्त आने पे इन बच्चों को आजाद करना है तुम्हें। क्या हम इन बच्चों को इनके वालिदैन की तरह मार देंगे? क्या तुमने सोचना भी शुरू कर दिया है मैक्टल? तुम अब मेरे हुक्म पे सवाल भी उठाओगे? हाँ नहीं, मैंने सिर्फ पूछा है। मैं इन बच्चों को इनके वालिदैन की तरह नहीं मारना चाहता मैक्टल। इन्हें आजाद कर दो। आपने उन आदमियों को कैसे कायल किया? आप किसी भी आदमी को कायल कर सकते हैं जिसके बच्चे हों। क्या हुआ, खड़े क्यों हो? जाकर कुछ तस्वीर लो। समझ में नहीं आ रहा,
सच तो यह है कि जब से हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, उस्मानियों ने इस सरजमीन पर रहने वाले हर एक शख्स को जीने का पूरा हक दिया है। हुदूद में रहने वाले सजा नहीं पाते, और अब कोई आता है और ईसाइयों को मारने की बात करता है। इसी तरह कोई और आएगा और अल्बानिया की बात करेगा, फिर वो कुर्द की, बोस्निया की, अरब की बात करेगा। हम छत की मानंद हैं, अगर ये छत गिरती है तो मुसलमानों के साथ ईसाई और यहूदी भी दफन हो जाएंगे। अगर हम आज अपनी सरजमीन को छोड़ दें तो फिर मौत का तूफान इस खत्ते को बहा ले जाएगा। सुल्तान मौसम, दो खवातीन आपसे मिलना चाहती हैं। ये उन दो आदमियों की बीवियां हैं जिन्हें मारा गया है। मैंने सोचा कि शायद आप उनसे बात करना चाहेंगे। उन्हें अंदर आने दें, हमारा दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। जी बेहतर सुल्तान मौसम, दरवाजा खोलें। आइए खवातीन। सबसे पहले हमें आपके नुकसान पर अफसोस है। जब हमारे फौजियों ने उन्हें हथियार डालने के लिए कहा तो उन्होंने गोलियां चला दी। अगर वो हथियार डाल देते तो फिर वो अपनी जान से ना जाते। हमारे शौहर यूनानी जंग में इस फौज के लिए लड़े थे, रियासत के साथ वफादार थे। लेकिन हमने सुना है कि उन्होंने ईसाई ओहदेदारों को कत्ल किया था। उन्होंने अपने दोस्तों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी, यानी उन्होंने अपनी गलती तस्लीम नहीं की थी। नहीं सुल्तान मौसम, हमारे शोहर अपनी रियासत के साथ वफादार थे। तो फिर उन्होंने हमारे फौजियों को कत्ल क्यों किया? वो हमारे बच्चों के जरिए हमें धमकाते थे। उन्होंने हमारे बच्चों को अगवा कर लिया और धमकी दी कि अगर सिपाहियों पर गोली ना चलाई तो वो हमारे बच्चों को मार देंगे। तो ये उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए किया? तो आपके शोहर बेकसूर थे? वो मासूम थे। हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि उनकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आपने अपने दो वफादार सिपाही खो दिए और अब हमारे बच्चे यतीम हो गए सुल्तान मौज़म। छापा मारे पाशा। अगर वो हथियार उठाते हैं तो क्या हमें हथियार के साथ जवाबी कार्रवाई की इजाजत है? इजाजत है। क्या आप इसे साबित कर सकती हैं? ये वो खत है जिसमें हुक्म तहरीर किया गया था। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो बच्चों को मार देंगे अगर हमने उनकी बात ना मानी। क्या वो आपके बच्चों को ले आए? उन्होंने कहा था कि वो ले आएंगे। शहर के बीच जो फवारा है वो बच्चों को वहाँ छोड़ जाएंगे। क्या हम साथ जाएंगे सुल्तान मौसम? जाइए खवातीन, जाइए। दरवाजा खोलो। हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि उनकी मौत के सिरदार सिर्फ आप हैं और अब हमारे बच्चे यतीम हो गए सुल्तान मौसम। हम इस रोती हुई औरत की तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। मुझे मालूम था। यानी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? खयानत देखकर मुझे खुशी नहीं होती। यही वजह है कि मेरी खबरों में मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं होता। तो फिर लिखो तुम। एक उस्मानी गली है जो दरअसल जहन्नुम का मंजर पेश कर रही है। घरों से लाशें निकल रही हैं। उस्मानियों की गोलियों से जा बहक होने वाले ओहदेदारों की बीवियां इस दिलखराश मंजर को देख के ज़ारो क़तार हो रही हैं। ये है मंजर। ख्याल किया जाता है कि ये दो फौजी ईसाइयों की हमवात के जिम्मेदार हैं। क्या अब्दुल हमीद ने बदला लिया
या फिर मासूमों की मौत के परवाने पर दस्तखत किए। कुछ जराए के मुताबिक मालूमात हासिल हुई है कि इन दोनों अफराद का किसी ग्रोह से ताल्लुक नहीं था। इसके बरक्स ये वो दो बेगुनाह सिपाही थे जिन्हें ग्रोह ने इस्तेमाल किया। खबर यह है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस्मानियों के खिलाफ पाबंदी को खत्म करने के लिए उन्हें साबिक आमबाग का जिम्मेदार ठहराया और उनके मुंह बंद कर दिए। यही दावा हो रहा है। हम सिर्फ सहाफी की हैसियत से इस बारे में बात कर रहे हैं कि असल हकीकत क्या है, यानी दस्तखत परवाने। आपको सहाफी होना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें कर सकता था व्लादिमीर, समझे, लेकिन जो मैं हूं वो मेरी तरजीह है। आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। अब आपको यकीन आ गया, दो मासूम लोगों का खून आपके हाथों पर है। चलो बेटा, चलो। मोहतरम शहजादे, कमांडर पहले हदफ में कामयाब हो गए हैं। कुछ गश्त करते सिपाही मारे गए हैं। फौरन थाने में आगाह किया जाए और हम एक टेलीग्राम पाया तख्त भेजेंगे। हम कहेंगे कि हमें अफसोस है। हम इसको सियासी रंग देंगे जनाब। इसके अलावा एक और काम है जिसके लिए आपकी रजामंदी की जरूरत है। उसकी कयादत कौन करेगा? कमांडर। कमांडर, हम उसे एक बड़ी ताकत दे रहे हैं। इमरो एक फौज की तरह मजबूत होगी। शहजादे, क्या आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, उनकी उस्मानियों के खिलाफ रंजिश मुझसे ज्यादा है। मुझे सोचने पर मजबूर खलील खालिद करता है। हकीकत में एक गैर मामूली सिपाही। मुझे यकीन नहीं है कि आया वो हमारी तरफ है। क्या आपको उस पर एतमाद नहीं है? जनाब, आप परेशान ना हो। अगर हमें ऐसा लगा कि वो खतरा है तो हम उसे मार देंगे। तुम किस चीज की इजाजत मांग रहे थे? हमारे आदमी तुर्क फौज का लिबास पहनकर गांव पे छापे मारेंगे। हुक्म दे दो, खलील खालिद के लिए जो फरीजा मैंने सोचा है उससे आगाह कर दो उसे। खलील खालिद को तलाश करो जल्दी। खलील खालिद, तुम यहां क्या कर रहे हो? आपके इंतजार में था। मुझे तलाश कर रहे थे आप। सही कहा, मैं कर रहा था, लेकिन तुम नजर नहीं आए। तुम्हें खुद से यहां आने की इजाजत हरगिज नहीं है। यहां बहुत खास आला मौजूद है। अगर मैं चाहता तो इसे अपने लिए हासिल कर सकता था नाइब साहब। मैं इसकी वजह से ही यहां पर हूं। शुक्रिया अदा करें, आप अपने लोगों से रابطہ कर सकते हैं। हो सकता है तुम इससे यहां पाया तख्त खबरें पहुंचाने के लिए लाए हो। शायद इसीलिए तुम यहां हो, अब्दुल हमीद के लिए हर चीज की जासूसी करने के लिए। ऐसा ही है ना? अगर मैं चाहता तो पहले ही दिन आप सबको कत्ल कर चुका होता और आपकी हिम्मत ना होती कि मुझ पर इतना बेबुनियाद इल्जाम लगाते नाइब साहब।
अगर मैं इजाजत ना देता तो तुम यहाँ हरगिज ना होते खलील खालिद। अगर शहजादे तुम्हारी कदर ना कर रहे होते तो तुम्हें मार दिया क्या होता। हर सीरू ने मौत का जायका चखना है। तुमने सही कहा। सदकल्लाहु लजीम, बेशक अल्लाह ने सच फरमाया। कोई जवाब नहीं आ रहा सुल्ताना, शायद घर पर कोई नहीं है। आपको कोई नहीं मिला जो जानता हो कि यहाँ कौन रहता है? मुहाफिजों ने आसपास लोगों से पूछा है, ये हाल ही में यहाँ से गए हैं, कोई नहीं जानता इन्हें। जनाब, आप क्या तलाश कर रहे हैं? दरअसल हम यहाँ रहने वाले को तलाश कर रहे हैं, क्या आप उनको जानते हैं? यहाँ कोई रहता था लेकिन गुज़िश्ता रात वो अपना साजो सामान लेकर यहाँ से चला गया। घर बिल्कुल खाली है। वो कुछ हफ्ते पहले ही यहाँ आया, उसने इस घर की कीमत अदा की। मैं आज तक उसका चेहरा नहीं देख पाया, वो अपना चेहरा छुपा के रखता था। वो या तो किसी से छुप रहा था या फिर वो इतना बदसूरत था कि वो अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाना चाहता था। पहले ये अंगूठी उस शख्स की उंगली में देखी थी जिसने ये जगह किराए पर ली थी, ये उससे गिर गई होगी। सुल्ताने मासम, कहिए कि यह झूठ है। बदकिस्मती से यह झूठ नहीं है, बच्चों को अगवा किया गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने देखा कि उन्हें कहां ले जाया गया, लेकिन बच्चों ने नहीं देखा और ना ही वो अगवाकारों को जानते हैं। यानी सुल्ताने मासम, मुहाफिजों को उनके बच्चों की धमकी देकर इस्तेमाल किया गया। हमने ऐसी गलती कैसे की पाशा? ये मेरी गलती है सुल्तान। ये आपकी गलती नहीं है, हमने आपको हुक्म दिया था और आपने उसकी तामील की। ये हमारी जिम्मेदारी थी और ये हमारा कसूर है पाशा। सुल्तानी मौसम, ज़ुल्फ़ुल इस्माइल पाशा और महमूद पाशा है, पाबंदी के मामले में पेशरफ्त हुई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और अब हमारे बच्चे यतीम हो गए। सुल्ताने मौसम, सुल्ताने मौसम, ज़ुल्फ़ुल इस्माइल पाशा और महमूद पाशा आपके हुजूर पेश होना चाहते हैं। महमूद पाशा से कहें कि वो खुद ही निमट लें। जैसा आपका हुक्म सुल्ताने मौसम। दरवाजा खोलो। अगर वो हथियार उठाते हैं तो क्या हमें हथियार के साथ जवाबी कार्रवाई की इजाजत है? इजाजत है। हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और अब हमारे बच्चे यतीम हो गए। सुल्ताने मौसम, हमने आपको हुक्म दिया और आपने तामील सारा कसूर हमारा है। सुल्तान मौसम, उम्बर साहब ने कुछ शरायत रखी है।
Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime. Ben melanet hırkasını kendim giydim eynime. Arı namus şişesini taşa çaldım kime ne? Ah, Haydar Haydar, taşa çaldım kime ne? Topotev, ye kaun hai? Ae Rab, hum teri hidayat ko bhool baithe, hum tere samne hazir hain, hame bakhsh de. हमारी परेशानियों को ज़हनी सुकून में बदल दे, हमारे पैरों को अपने रास्ते से भटकने मत देना, साबित कदम रखना, हमें हक की रोशनी के साथ जिंदगी अता फरमा, हमें गफलत से बचा ले या रब। हम आपको यहाँ ये कहने आए हैं कि उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, और अब हमारे बच्चे यतीम हो गए सुल्तान-ए-मौसम। अस्तग़फिरुल्लाह या रब, हमारे कांधों पर इतना बोझ न डाल, हम बहुत कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, तू कवि है या रब, हम हताकार हैं, हमें माफी अता कर दे या रब। और अब हमारे बच्चे यतीम हो गए सुल्तान-ए-मौसम। अस्तग़फिरुल्लाह या रब, हमें हजरत अबू बकर जैसी सदाकत अता फरमा, हमें हजरत उमर जैसा अदल इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा, हमें हजरत उस्मान जैसी शाइस्तगी, सखावत और कुरान पाक की खिदमत का मौका देकर उस कोशिश को कबूल फरमा, हजरत अली की हिकमत और दानाई, हैदर करार की फराग दिली और बहादुरी से हमें मुश्किलात से निकलने की ताकत अता फरमा, और आखिरत में साकी कौसर से हमें आब कौसर पीना नसीब फरमा या रब। हमारी तरफ तवज्जो फरमा, जो मुश्किलात, परेशानियां और जितने मसाइब का हमें सामना है उन्हें दूर फरमा, हमारे वतन और कौम को दाखिली और खारजी दुश्मनों से अमन व अमान अता फरमा। हम तुझे तेरे नाम अल कहार का वास्ता देते हैं, हमारे वतन से दुश्मनों को अपने नाम के तुफैल निकाल दे, बच्चों को यतीम और ख़वातीन को बेवा होने से बचा ले या रब, वालदैन की आंखों में कभी आंसू ना आने दे या रब, जिन शहरों को हमने आबाद किया उन्हें खंडरात ना बनाना, लेकिन अगर किस्मत में जंग लिखी है तो अहले ईमान का काफिरों पर गलबा फरमा, आमीन। यानी आप हमें शादी करने की इजाजत दे रही हैं, क्या ऐसा ही है? अब्दुल मजीद खान के बेटे अब्दुल हमीद खान अपनी रजा से अपने बड़े भाई के लिए तख्त से दस्तबरदार हो रहे हैं। मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हम हुम्बर को जिंदान से आजाद करेंगे और उन जहाजों को यहाँ लाएंगे।
हमें ऐसा मौका हरगिज दोबारा नहीं मिलेगा। जिस लड़की से आप शादी करने वाले हैं गुलजमाल वैसी नहीं है जैसी आपको नजर आती है। अगर आप हकीकत जान लें तो मोहब्बत तो दरकिनार, आप उसे पाया तख्त में भी रहने की इजाजत नहीं देंगे।